नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? देखो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड बलबन, फोर्थ इल्तुतमिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1226 में, फिर से बोलता हूँ, 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। स्लेव डायनेस्टी जिसका दूसरा नाम है गुलाम डायनेस्टी। देखो मोहम्मद गोरी के बाद यालदोज कबूचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें युद्ध चला जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो जीत कर आया और उसी ने ही 1226 में इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। देखो इस जो दिल्ली सल्तनत है उसमें इस ऐसी 5 डायनेस्टी हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी, थर्ड तुगलक और फोर्थ सैयद और फिफ्थ है लोदी। लोदी डायनेस्टी के एंड में जब ये समाप्त हुई 1526 में, तब बाबर ने आकर मुगल डायनेस्टी का स्थापना की थी इंडिया में। लेकिन यहाँ पूछा गया है स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर है ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था और ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था, इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुवत उल इस्लाम इन दोनों की स्थापना की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुवत उल इस्लाम की स्थापना की थी इसने दिल्ली में, और इसी ने ही कुतुब मीनार की भी स्थापना की थी लेकिन उसे पूरा नहीं किया था। कुतुब मीनार को जो पूरा बनाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इसके द्वारा, और बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें रिपेयर की। तो याद रखिएगा स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे इसका जो मकसद होता है ये होता है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना टाइगर को कंजर्व करने के लिए। देखो हर साल 29 जुलाई का जो दिन होता है इसे इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इनका जो टारगेट होता है वो मेन होता है इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि टाइगर कितना इंपॉर्टेंट है और उनके हैबिटेट को कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है एम स्ट्राइप, ये देखें यहाँ पे एम स्ट्राइप। ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले एक गवर्नमेंट एग्जाम में, इसका मकसद क्या था? देखो इसका मकसद था मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंडिजिनस सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, इन चारों में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर ये है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। ये देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फिर से बोलता हूँ, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। और यहाँ पे देखिए अभी जो फिलहाल लेटेस्ट में जो सेंसस हुआ था उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो है 2967, फिर से बोलता हूँ 2967, और जो लास्ट सेंसस हुआ था 2014 में उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो थी 2226। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ है वो 33% का हुआ है। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए 2014 और अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है उन दोनों के बीच में जो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कितने प्रतिशत से बढ़ी है, तो वो 33% से बढ़ी है। और टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा किस शहर में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, मध्य प्रदेश में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो है 526 और कर्नाटक में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो है 524। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं इस बार, क्योंकि ये जो सेंसस हुआ है टाइगर का ये अभी रिसेंटली हुआ था, और ये कब मनाया जाता है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे एम स्ट्रिप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये किससे रिलेटेड है, तो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व से इसका संबंध है, और फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? बताइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर आयोजित हुई थी? देखो जो ये काउंसिल है ना यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये है पाटलिपुत्र। ये देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी, और ये उस समय चेयरमैन तो कौन था, चेयरमैन था मोगलीपुत्र तिस्सा, और ये 250 BC के अराउंड हुई थी। इसकी डेट भी याद रखिएगा 250 BC। ये देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगृह में हुई थी, सेकंड वैशाली में,
और थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र जो यहाँ पे पूछा गया है, और फोर्थ हुई थी कुंडम्बल कश्मीर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पैटर्न कौन था यहाँ पे, फर्स्ट में अजातशत्रु, सेकंड में काल अशोका, थर्ड में अशोका और फोर्थ में कनिष्क। देखो काल अशोका और अशोका में आप कन्फ्यूजन नहीं होएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है काल अशोका और अशोका। और चेयरमैन कौन थे फर्स्ट में, महाकश्यप, सेकंड में सभाकम्मी, थर्ड में मौगालीपुत्र तिशा और फोर्थ में वासुमित्र। इनकी डेट भी देख लीजिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी, सेकंड जो हुई थी वो 383 बीसी यानी इसी के ही 100 साल बाद, और सेकंड और सॉरी थर्ड हुई थी 250 बीसी में। अब ये देखिए यहाँ पे जो तीन बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई है बीसी में, और एक बुद्धिस्ट काउंसिल है जो सिर्फ एडी में हुई है 72 AD। कौन सी है ये, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पर, कश्मीर में हुई थी फोर्थ। और ये उस समय चेयरमैन कौन था, वासुमित्रा, और पैटर्न कौन थे, कनिष्क। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश, नाथुला पास सिक्किम, बोरघाट पास हिमाचल प्रदेश, पालघाट पास केरला, बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है नॉट, ये याद रखिएगा क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा था नॉट और करेक्ट, तो यहाँ पर नॉट पूछा है। देखो इसका जो सही आंसर है ये है बोरघाट पास, ये महाराष्ट्र में है और ये मुंबई टू पुणे है, यानी ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। और बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। नाथुला पास सिक्किम में है, ये भी सही है। और पालघाट पास केरला में है, ये भी ठीक है। अब चलते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखो यहाँ पर भी यही पूछा है नॉट करेक्टली, तो याद रखिएगा नॉट करेक्टली पूछा है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, स्टापिस यूरोप और वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देख के तो आप समझ गए होंगे इसका जो सही आंसर है ये है वेल्ड, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये साउथ अफ्रीका में है। ये देखिए यहाँ पे वेल्ड, ये अफ्रीका का मैप है और ये साउथ अफ्रीका में है। स्टापिस ये देखिए जो यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया में आता है। डाउन्स ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये कैंटरबरी ग्रासलैंड जो न्यूजीलैंड में है। ये पेम्पास यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है ये है साउथ अमेरिका में, और ये प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में है। फिर से बोलता हूँ, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, पंपास साउथ अमेरिका, वेल्ड साउथ अफ्रीका, स्टापिस जो है आपका ये मतलब एशिया वाले और यूरोप वाले रीजन में। ये देखिए यहाँ पे एक और है पुस्ताज जो हंगरी के पास में है, और डाउन ऑस्ट्रेलिया में है, और कैंटरबरी ग्रासलैंड ये न्यूजीलैंड के पास है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू।